यहाँ तो बिलडोज़र आ गए, इनको गिराई की गई, इन शॉपकीपर को बेचारे को, ये गरीब आदमी है, औरतों का ज़्यादा सोना बेच के कर्ज लेके लोन निकाल के बेचारों ने ये शॉप इन्होंने चलाए, इन ऊपर आए, इन्होंने इन पर बिलडोज़र चलाए। और उसके साथ साथ हमको कहते हैं कि रेडियो वालों को दो दिन का मोहलत है, दो दिन का मोहलत है, दो दिन के बाद आप इधर नहीं हो गए। ये अपने जहन से निकालो, अपने जहन से। माइकल लाल की मजाल नहीं है जो हमें इस अड्डे से निकालेगा, खून की नदियां बहेगी इधर। हमको निकाले आए हो, अपने जबान को लगाम दो। हम 950 रहने वाले, खून की नदियां बहेगी इधर, ये अपनी जबान पर मत ले आओ। आप तो ऊपर से नीचे तक मुर्दार हो चुके हो, करप्ट हो चुके हो, आप पैसे खाते हो। और हमको बोलते हैं कि रेडा हम दो दिन के बाद इधर से निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। तुम ये खेल खेल रहे, पॉलिसी खेलते हो हमारे साथ, ये कौन सी पॉलिसी खेलते हो? पहले स्मार्ट सिटी का बहाना कि हमें स्मार्ट सिटी बनानी है, उसके बाद हमें बोला आप यहाँ शिफ्ट हो जाओ, और यहाँ शिफ्ट होने के बाद देखो कितना कचरा कीड़ा है इधर, कितना पानी, अभी कितना नुकसान हुआ। अरे ये तो करारू में नुकसान है, ये बेचारे क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे? इस वक्त अपनी भी रोजगार बेरोजगारी है, बिजनेस भी नहीं है, मुश्किल से अपना घर चलाते हैं बेचारे को। ये देखो इनको क्या किया, इनके आशियाना को चकनाचूर कर दिया। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा तरीका है? ये वही अफसर लोग हैं जो पुराने सियासतदानों के भी तलवे चाटते हैं, ये उन्हीं का काम है। ये मैं नहीं समझता ये गवर्नमेंट का काम है, ये पुराने सियासतदानों का जो इनके तलवे चाटते हैं उन्हीं का काम है। मसला है इधर डाकू कहानी है, इधर जो चेयरमैन का 500 दुकानों का चेयरमैन है उसका भी दुकान गिराया, किस लिए गिराया, ये माफिया कहानी है और बाकी कुछ नहीं है। मैं ये कुछ HD के मुलाजिम है जो छोटे हैं, उन्होंने बड़े अफिसर दबाव के रखे हैं, जो वो छोटे मुलाजिम कहते हैं वो वही काम करता है, क्योंकि जो बड़ा मुलाजिम है वो शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाता है नौगांव में। आज मसला यही है, ये कुछ मुलाजिम जो छोटे हैं ये मिलके, ये मिलजुल के है, ये बोर्ड, ये बड़े से बढ़िया माफिया है, इनके पास अरबों खरबों का दौलत है, कैसे बनाया, कहाँ से लाया, जब ये जेल में था। उनका मिलिटेंट है उधर, 250 बंदे हैं उधर मुलाजिम, ठीक है, उसके बाद 150 बंदे हैं जो रिलीज मिलिटेंट है। तो यही है, ये डाकू कहानी है, बाकी मसला कुछ नहीं है।
डिमोलिशन तो यही है, जो डिमोलिशन वाले हैं यही डाकू है सब, ये मिलजुल के है बड़े अफसरों के साथ। डिमोलिशन स्क्वाड जो है वो सारे एक्स मिलिटेंट है, सारे एक्स मिलिटेंट। आप कंफर्म कर सकते हैं, एसडीएम में जाके आप कंफर्म कर सकते हैं, ये सारे एक्स मिलिटेंट जो डिमोलिशन है ये उन्हीं के ऊपर है, क्योंकि इनको आदत ही ना लूटने की, अब ये दूसरे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं लूटने के लिए। पहले डिमांड क्या किया, आप चेक करें, पहले चेक करें वहाँ जो मुलाजिम है 30,000 के, उनके उनका घर बार चेक करें। एसडी का डिमांड यही है, कल से उधर धरना होगा, गवर्नर को अपील होगा, उनको छानबीन करिए, पहले उनका प्रॉपर्टी देखिए कहाँ से है। अगर 25,000 तनख्वाह, 1 करोड़ का प्रॉपर्टी कहाँ से लाया उन्होंने, उनके दादे का प्रॉपर्टी है, उनके घर में जर्मन शेफर्ड ढूंढे, वो डाकू है, मुलाजिम है।